हेलो एवरीवन मेरा नाम है वरुण चित्रा स्टडी के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले प्लीज कंफर्म करिए वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है और स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट है वो सभी को क्लियर दिख रहा है तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक बहुत ही अलग लेवल की क्लास होने वाली है मैं ये चैलेंज करता हूँ आपको ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है बहुत ज्यादा वर्क करा है इस क्लास के ऊपर तो उम्मीद करता हूँ आप सब सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे से इस क्लास को देखेंगे समझेंगे और मेरे साथ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है देखिए मैं आपको उससे पहले एक चीज बता दूँ जैसा कि आप सभी को पता है मैं ओली बॉल लर्निंग सेंटर में एज अ इंग्लिश फैकल्टी टीच करता हूँ हमारी पूरी टीम है बैंकिंग की ये लोकेश सर हैं जैन सर हैं रीजनिंग के लिए ये मैं हूँ ये हमारी बैंकिंग की टीम है जीए के सर है राहुल सर और सभी अपनी फील्ड में टॉप फैकल्टी हैं सभी एक्सपर्ट हैं तो अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ओली बोर्ड लर्निंग सेंटर पुणे में आ सकते हैं ये महाराष्ट्र पुणे में है अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा मैं आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है चलिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट करेंगे आपकी नॉलेज को चेक करेंगे और मैं आपको एक प्रूफ दूंगा कि आज की क्लास के बाद आपके लिए इंग्लिश 80 परसेंट इजी हो जाएगी 80 परसेंट और अगर आपको भी बढ़िया लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना पहले आप इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करिए आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में एरर बताना है आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं आज की क्लास में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच का बैंकिंग इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस है मैं यहाँ पर ये वर्ड जरूर लगाना चाहूंगा बैंकिंग इंग्लिश मतलब जो बैंक के अंदर इंग्लिश आती है उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है वो आज मैं आपके सामने प्रूव करूंगा जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे देखिए धीरे धीरे फ्लो बनाएंगे आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि आज की क्लास में आपने क्या चीज सीखी है यस गुड इवनिंग एवरीवन आ जाइए मैं आज आपको एरर फिलिंदी ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट ये सब कुछ भी सिखाने नहीं आया हूं लेकिन आज मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूँ वो सब मैं आपको लाइव अभी क्लोज टेस्ट में फिलिंदा ब्लैंक्स में देखिएगा ये देखिए ये आपको दिख रहा है ब्लैंक्स ये लेवल का ब्लैंक्स है ये देखिए ये मीनस लेवल का फिलिंदा ब्लैंक्स है इसके अंदर जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ वो हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे ये देखिए और दिखा देता हूं अभी आगे और क्वेश्चन है फिर स्लाइड ओपन हो जाएगी

आंसर दीजिए सभी अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक है एक काम करते हैं देखिए मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आप सभी का एक मिनट तो एटलीस्ट इसमें लगा हुआ एटलीस्ट एक मिनट लगा हुआ एक मिनट से जल्दी इसका आंसर कोई नहीं दे सकता मैं ऐसा मानता हूं जितने स्टूडेंट अभी मेरे सामने ठीक है थीके? अब एक काम करो अभी मैं इसका आंसर नहीं दे रहा आप इसका आंसर आप खुद दोगे खुद आप इसका आंसर दोगे लेकिन सिखाने के बाद अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ एस बी आई क्लर्क मीन्स का क्वेश्चन है क्या करना है आपको यहाँ पर आपको वन टू और थ्री थ्री इन द्लैंक्स दिए अब आपको इनमें से कोई भी रैंडम्स वर्ड इसके अंदर फिल करने हैं। और आपको ऑप्शंस यहां पे दे रखे हैं बताओ आपका आंसर क्या होगा धीरज रीडिंग करते वक्त ही क्या चीज हमें पढ़नी है क्या स्किप करनी है यही मैं सेशंस में लेने वाला हूँ आज का सेशंस मैं आपको चैलेंज करता हूं अगर आज का जो सेशन मैं आपको दे रहा हूं ये अगर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिल जाए तो आप वीडियो को पहले डिसलाइक करना और फिर अनसब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ये मेरा चैलेंज है आज की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कहीं बताइए इसका आंसर क्या रहा okay. okay. B B आ रहा है ओके बी ऑप्शन दे रहे हैं स्टूडेंट ओके बी स्टूडेंट बी ऑप्शन आ रहा है ओके बहुत बढ़िया चलिए और कोई देखो मुझे फ्लो बनाना पड़ेगा आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए अगर आप इसको पॉज करके भी देख रहे हैं तो भी आप आंसर पे फोकस करिए आंसर निकालने की कोशिश करिए बी ऑप्शन आ रहा है ओके चलिए इतना टाइम बहुत है ठीक है बस अभी आ जाइए बी और सी ऑप्शंस आने लगे अब देखो आप समझो अभी हम समझते हैं हम क्या सीखने वाले हैं देखिए मैं आपको क्या करूंगा मैं आपको यह बताने जा रहा हूं जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया थ्री फाइव सेवन नाइन एंड यहां पे मैंने लिखा कोमा यहां पे मैंने लिखा क्वेश्चन बताओ यहां पर क्या आएगा जल्दी से बताओ तो आप क्या इसमें दिमाग लगाओगे थ्री के बाद फाइव बनाए फाइव के बाद सेवन बनाए सेवन के बाद नाइन बनाए तो अब इलेवन ही बनेगा आपको कैसे पता चला कि इलेवन बनेगा क्योंकि आपने एक पैटर्न यहां पर पहले ऑब्जर्व करा उसके बाद आपने अपना आंसर दिया आपको तो नहीं पता था ना पे इलेवन आएगा पहले आपने एक पैटर्न ड्रॉ करा उसके बाद आंसर दिया इंग्लिश भी सेम ऐसे होता है लेकिन हम इंग्लिश को ऐसे पढ़ते नहीं हम इंग्लिश को पढ़ते हैं ग्रामर रूल्स रीडिंग ऐसे पढ़ते हैं लेकिन अगर हम इंग्लिश को भी लॉजिकली डील करें तो इंग्लिश भी बहुत ईजी हो सकती है ठीक है अब देखिए इंग्लिश को हमें इम्प्रूव कैसे करना तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नाउन क्या होता है मैं पूरी डेफिनेशन सिखाने नहीं आया हूँ आपको मैं फिर कह रहा हूँ मैं सीधा आपको लाइव प्रूफ दूंगा अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट 99% स्टूडेंट को पता है कि नाउन क्या होता है लेकिन क्या आपको पता है कौन सा नाउन आपके लिए जरूरी है कौन सा नाउन आपके लिए जरूरी नहीं है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं हर एक चीज लेकर आया हूं। ये की कटिंग है है ना शशि थरूर जी ने ये पूरा आर्टिकल लिखा है बहुत बढ़िया पर्सन है ये आप लोग इनको जानते होंगे आप मुझे एक बात बताओ अगर ये आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ तो इसके अंदर नाउन तो बहुत सारे होंगे क्या हर एक नाउन हमारे काम का है ठीक है आ जाओ मेरे साथ आ जाओ हम एक काम करते हैं हम सब जानते हैं नाउन क्या होता है एक बार मेरे साथ नाउन ढूंढो देखो ये स्टैंड नाउन है वैसे स्टैंड वर्ब भी होती है लेकिन यहाँ पे स्टैंड लेना मतलब यहाँ पर ये क्या है एक नाउन है मेरा स्टैंड ये है मेरा नजरिया ये ये है मेरा विजन ये है, ऐसा बोल सकते हो ठीक है थीके? एक ये नाउन हो गया और नाउन कहाँ पर है देखो ये भी नाउन है इसराइल गाजा ये भी नाउन है ठीक है और मेरे साथ ढूंढो देखो ये इवोल्यूशन भी नाउन है अभी समझते जाओ मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं ठीक है हमारा नाउन है और देखो ये फॉरेन पॉलिसी ये हमारा नाउन है और देखो डिकेट नाउन है ठीक है इंडिपेंडेंस नाउन है इतने सारे नाउन है अगर हम इंग्लिश में नाउन को जानते भी हैं तो इतने सारे नाउन अगर आएंगे तो हमारे लिए नाउन कब और कौन सा बेनिफिट रहेगा कौन सा नाउन हमारे लिए वेस्ट है कौन सा नाउन हमारे लिए यूजफुल है हमें ये बस पहचानना है ठीक है

जिसके लिए वर्ब आती है अक्सर एरर किसमें होती है वो एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब लगा दी जाती है और वर् वो जो वर्ब होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है सब्जेक्ट से मेल नहीं खाती है तो अगर हमें सभी नाउन दिखते रहेंगे तो हम कहीं सभी को सब्जेक्ट ना बना ले बस ये हमें ध्यान में रखना है यही मैं आपको सिखाते जा रहा हूं ठीक है तो आज हमारा पहला काम क्या होगा हम नाउन पहचानेंगे और नाउन कौन सा हमारे काम का है और कौन सा हमारे काम का नहीं है ये हम पहचानेंगे ठीक है दूसरा काम हम ये करेंगे आज की क्लास में हम एडवर्ब को जानेंगे भाई एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब का काम क्या होता है फिर हम जानेंगे एडजेक्टिव क्या होता है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये सब चीजें सीख जाएंगे आज तो आप मेरे साथ जब मोक सोल्व करेंगे तो आपका आधे से ज्यादा काम वही हो जाएगा खत्म अगर आपको ये सारी चीजें बताऊंगी तो ठीक है चलिए अब देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है ना ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो देखो पे लिखा हुआ इंडिया

अब आपको क्या करना है अपना पूरा दिमाग लगाना है इसमें एरर ढूंढनी है बताओ आप एरर कैसे ढूंढोगे फिर मैं आपको बताता हूं एरर हम कैसे ढूंढते हैं तीस सेकेंड का टाइम दे ले बहुत बढ़िया अब देखिए इधर आ जाइए अगर हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाउन हमारे लिए कौन सा यूजफुल है मतलब कौन सा नाउन ऐसा है जो हमें आंसर तक लेके जाएगा और कौन सा नाउन ऐसा है जो हमें आंसर तक नहीं लेके जाएगा हमारे काम का नहीं नाउन आपके वही काम का है जो सब्जेक्ट बन रहा पहला पॉइंट याद रखिएगा दूसरा पॉइंट याद रखिएगा आपको नाउन की एग्जैक्ट प्लेस बताओ एग्जैक्ट प्लेस कि नाउन आना कहाँ पे चाहिए एग्जैक्ट आपको प्लेस मालूम हो ये दूसरा नाउन आपके काम का है तीसरा आपको ये पता होना चाहिए नाउन के आसपास क्या आ सकता है ठीक है ना नियर बाय एडजस्टेड क्या चीजें आ सकती हैं इसके आसपास तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए अब ये तीन चीजें आपको किसे पता चलेगी देखो इसको समझते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं है ना बहुत छोटा सा बहुत स्वीट एंड शॉर्ट में आपको मैथड बताने वाला हूं देखिए अगर मान लो मैं कोई स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिख रहा हूं अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग मैं हमेशा सब्जेक्ट से करूंगा और जरूरी नहीं है हर बार ही सब्जेक्ट से होगी कई बार सब्जेक्ट से नहीं भी होगी वो भी मैं बताऊंगा कब हो रही है कब नहीं हो रही अब देखो जब भी मैं सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करूंगा तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रनाउन हो सकता है ये आपको पता ही होगा है ना आज मैं आपको और इन डिटेल बताने वाला हूँ लेकिन जल्दी से आंसर आ जाए शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे तो आपको पता है नाउन या प्रोनाउन से बनेगा इसका मतलब क्या है ऐसा कोई नाउन जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो वो मेरा नाउन जो होगा वो यूजफुल हो सकता है क्यों यूजफुल हो सकता है सर वो वो इसलिए यूजफुल हो सकता है क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आ रहा है नाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इसकी वर्ब के साथ भाई इसकी वर्ब सही लगी है नहीं लगी है जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपने देखा कि सर एपोस्ट्रोफी बाद आप बहुत बार बता चुके हो कि नाउन आता ही आता है लेकिन ये तो नाउन नहीं है इसके पीछे क्या लगा हुआ है ओ यू एस लगा हुआ है टर्टस तो इसका मतलब क्या है ओ यू यू एस एस टी आई 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 वी वी ए एल सी एफ एल ये सब एडजेक्टिव होते हैं इसके अंदर ए बी एल ई बी आ जाता है और आई बी एल ई बी आ जाता है ये सब क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं ये मैं आपको हर एक क्लास में बताता रहता हूँ जिससे कि आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाए ठीक है अब आपने देखा ये तो नाउन नहीं है हमें नाउन चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है नाउन होना चाहिए तो देखो ये मिल गया हमारे को नाउन इसका मतलब क्या है हमारे लिए ना ये काम का है ना ये काम का है हमारे लिए क्या काम का है ये नाउन काम का है और ये नाउन हमारे पास सिंगुलर है अब हम क्या करेंगे जैसे ही हमें नाउन मिल गया अब हमारा फर्ज बनता है हम इसकी एक वर्ब तो ढूंढ लें क्योंकि जब जब सब्जेक्ट आएगा तो उसकी वर्ब आएगी अब आप कुछ भी रीड करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है कुछ भी रीड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है सीधा आपको वर्ब ढूंढनी है तो देखो आपको ये वर्ब मिल जाएगी रिवील रिवील करने का मतलब खोलना बताना तो रिवील अगर आपको यहाँ पे वर्ब मिल गई तो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये रिवील जो वर्ब है इस वर्ब के पीछे देखो इस वर्ब के एंड पे ना एस लगा हुआ है ना ई एस लगा हुआ है बेसिकली अगर वर्ब के एंड में एस नहीं लगा हुआ है अगर एस नहीं लगा हुआ है तो वो वर्ब आपको प्लूरल माननी पड़ेगी वो वर्ब आपको प्लूरल माननी पड़ेगी अगर मान लेते हैं किसी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है तो वर्ब वो वर्ब आपको सिंगुलर माननी पड़ेगी इसको याद करने का तरीका क्या है अगर वर्ब के पीछे एस है तो एस फॉर सिंगुलर होता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास सिंगुलर वर्ब हो जाएगी तो आपने देखा यहाँ पे रिवील लिखा हुआ था ओनली तो रिवील लिखा हुआ है मतलब ये तो प्लुरल वर्ब है लेकिन हमारा सब्जेक्ट स्टैंड ओनली सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है रिवील गलत लिखा हुआ है हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा रिवील्स लिखना पड़ेगा तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी कि भाई जो नाउन स्टार्टिंग में आ रहा होगा वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है क्योंकि उसको हमें एक वर्ब चेक करके वेरीफाई करना रहेगा तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर वन, नंबर पॉइंट हमने पे क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया अब इससे फायदा ये होगा हमें ये रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम सीधा नाउन ढूंढेंगे नाउन के बाद इसकी वर्ब ढूंढने निकलेंगे अगर वर्ब सही होती चांस फिर हम इसमें और कुछ चीजें को ढूंढते क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को बताइए

तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा ये यूजफुल होगा और ये यूजफुल होगा ये एफोस्ट्रॉफी ऐसा है ठीक है चौथा क्या यूजफुल हो सकता है सर अगर कहीं एंड लिखा हुआ है है ना और यहाँ पर एक नाउन आ रहा है और ये नाउन मतलब एक न्यू सब्जेक्ट या फिर न्यू सेंटेंस के लिए आ रहा है तब ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है ठीक है और सर कहाँ पे यूजफुल हो सकता है और आपके लिए यूज हो सकता है कभी प्रिपोजिशन आ रही हो कोई कोई भी प्रिपोजिशन आ रही हो तो प्रिपोजिशन के बाद जो नाउन आ रहा है वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है बात क्लियर है हाँ, बहुत बढ़िया यूज़फुल हो सकता है एग्जैक्ट नाउन हो सकता है कोई भी आर्टिकल आ रहा है चाहे ए आ रहा है चाहे एन आ रहा है चाहे आर्टिकल द आ रहा है ये तो बहुत ही गोल्डन फॉर्मूला है इसके बाद नाउन आता है ये बहुत यूज होता है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा हम ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर बनाएंगे ठीक है यहां तक clear है सभी को ये सारी चीजें आपके माइंड में हमेशा दो दो इंग्लिश तो तो में क्या होता है सब पता नहीं होती तो फिर स्टूडेंट को क्वेश्चन टफ लगते हैं ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है अब देखो थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं फिर उसी क्वेश्चन पे लेके चलूंगा जो आपने गलत करा है सभी का आंसर गलत है अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिखाए सभी का आंसर सभी ने गलत किया ठीक है अभी वो आप खुद आंसर देंगे आप खुद प्रूफ करेंगे उसको ठीक है अब इधर आ जाओ देखो आप इधर आ गए तो आपने क्या देखा कि हमारे एक तो ये वाला नाउन काम आएगा जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में होगा दूसरा नाउन कब काम आता है दूसरा नाउन जब काम आता है जब डेट लिखा हो या कोमा लगाओ तो आपने देखा यहाँ पे कोमा लगा हुआ देखो देख पा रहे हो आप यहाँ पे कोमा लगा हुआ जी हाँ सर यहाँ पे कोमा लगा हुआ तो कोमा के बाद भी नाउन अगर आ रहा है तो देखो नाउन आ रहा है ना फर्स्ट ऑफ बाद ये अप्रोच आपका नाउन अब जैसे ही आपको ये नाउन मिला अब आपका फर्ज बनता है आप इसकी ढूंढो तो इसकी देखो यहाँ पे लिखी हुई है वो। तो आपको इसकी भी नाउन हमारे काम का क्यों नहीं है क्योंकि इसके जस्ट पहले एक प्रीपोजिशन लगी हुई है अब आपको मैं ये बताता हूं कि नाउन कब काम का नहीं रहता है तो ये भी जरा सा सुन लो देखो कभी भी अगर प्रीपोजिशन लिखी हुई है कभी भी अगर वर्ब लिखी हुई है उसके बाद जो नाउन दे रखा है वो आपके काम का नहीं है वो वेस्ट है वो हमारे काम का है ही नहीं ठीक है इसी नाउन 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 के 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 लिए प्रीपोजिशन बाद कोई नाउन हो, वर्ब के कोई वर्ब पीछे यही वो एग्जामिनर का ये एक ट्रिक बनता है इसी से वो आपका आंसर गलत करवाते हैं तो आपको क्या रखना है कोई भी प्रीपोजिशन हो या वर्ब हो उसके जस्ट बाद कोई भी नाउन लगा हुआ है तो वो हमारे काम का नाउन नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे बात क्लियर है अब इधर आ जाओ तो मैंने अभी आपको कहा कोई भी प्रिपोजिशन के बाद नाउन लगा होगा तो आप इसको इग्नोर करेंगे ऐसे ही अगर ऑफ लिखा हुआ है आर्टिकल ए आ रखा है तो आर्टिकल ए आ आ आया है फॉरेन कंट्री के लिए तो इसको हम इग्नोर करेंगे ठीक है ना इसको हम सबको इग्नोर करेंगे फिर हम जाएंगे कहाँ पर सर यहाँ पर भी लिखा हुआ है तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे हम जाएंगे कहाँ देखो यहां से कोमा लगा हुआ था तो अक्सर आपको ये पता होगा जब भी कोमा लगा होता है तो कोमा के बाद हम एक नया सेंटेंस लिखते हैं लेकिन जब भी नया सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें एक नाउन होता है जो सब्जेक्ट बनता है तो आपने देखा ये एक नाउन था लेकिन ये नाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि तो तो मतलब हमारे काम का नहीं है क्योंकि तो ऑफ के बाद लगा हुआ ना इसलिए ऐसे हमने देखा इस फोर के बाद ये जो इट लगा हुआ ये भी हमारे काम का नहीं है हालांकि इट भी एक प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट बन सकता है लेकिन ये फोर के बाद आ गया इसलिए काम नहीं क्लियर है ऐसे इस ओन के बाद दी वर्ल्ड स्टेज ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि ओन के बाद आ रहा है प्रिपोरेशन के बाद आ रहा है तो यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करने को बोल अगर तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा कि सर इस इस फुल स्टॉप से लेके तक तो कुछ था ही नहीं मतलब हमारे काम की चीज थी नहीं तो अगर हमारे काम की चीज नहीं थी इसमें तो ये हमारे कभी भी जब हम एरर का क्वेश्चन करेंगे तब भी हमारे काम का नहीं है जब हम फिलिंदा ब्लैंक्स करेंगे तब भी हमारे काम का नहीं है जब हम वर्ड स्वैप करेंगे तब भी ये लाइन हमारे काम की नहीं है यहां मैं ही कह सकता हूँ इसमें कोई भी नाउन हमारे काम का नहीं है हमारे काम का नाउन कहा का है, है।, का तो है ये क्यों है क्योंकि तो सर कोमा के बाद आ रहा है और कोई वर्ब ना कोई प्रिपोजिशन है इसका मतलब क्या है नाउन काम का है अगर ये नाउन काम का है तो हमारा फर्ज बनता है अब हम इसकी वर्ब ढूंढे आज इसकी वर्ब ढूंढते ये कोमा और ये कोमा सॉरी ये ना इंडियंस ये नाउन इस, इसकी वर्ब ढूंढने निकलता है ये कोमा और ये कोमा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बहुत बार बता चुका हूं ये हमारे काम की नहीं है अब ये इंडियंस के बाद ये जो वर लगा हुआ है ये नाउन की वर्ब की तलाश खत्म हुई अब इस इंडियंस को यह मिल गया वर मिल गया इसका मतलब क्या है इंडियंस के हिसाब से प्लूरल था तो वर लिखा हुआ था मतलब सही है क्या क्लियर है सभी को इस तरीके से आपकी नजरिया ऐसा होना चाहिए आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे आपको नाउन पकड़ के उसकी वर्ब को पकड़ना है ये आपको मैंने एक तरीका सिखा दिया नाउन को ढूंढने का क्या क्लियर है तक सभी को ठीक है अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलते चलते हैं हैं नाउन के बारे में मैंने आपको कुछ दे दी है कुछ इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे क्या क्लियर है सभी को चलिए अब इधर आइए अब देखिए नाउन के साथ दिक्कत ये होती है कि नाउन के साथ अगर हम आर्टिकल लगाते हैं कोई भी अगर हम आर्टिकल लगाते हैं तो आर्टिकल का ये रूल बनता है कि वन हंड्रेड 1%, इसको एक नाउन चाहिए होगा कोई भी अगर आर्टिकल आप लगा रहे हो तो देखो इस वाले सेंटेंस सेंटेंस के अंदर ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये दोनों है, पास। जी हाँ, सर है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कि एक एडजेक्टिव नाम का पार्ट ऑफ स्पीच होता है ये बहुत हेल्प करेगा आपकी एडजेक्टिव मैं कह रहा हूं एटी परसेंट क्वेश्चन होते हैं आप खुद अभी प्रूफ देखिएगा ठीक है अब मैंने कहा एडजेक्टिव पे हम जा रहे हैं तो एडजेक्टिव है क्या चीज एडजेक्टिव वो चीज है जो आपको नाउन के बारे में एक अलग से इंफॉर्मेशन दे दे और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दे उसको हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं क्या बोला जाता है एडिशनल है ना इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन एडजेक्टिव इज इक्वल टू एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन बहुत जल्दी जल्दी ये सिंपल सी चीजें हैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं जिसमें टाइम देना होगा टाइम जरूर दूंगा ठीक है मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो मैं जल्दी से अपना जो भी कंसेप्ट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ठीक है आ जाइए तो मैंने आपको ये कहा कि एडजेक्टिव का रोल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैंने कहा अगर मैंने यहां पे पपी लिखा है और यहाँ पे गार्डन लिखा है आप मेरे को एक बात बताओ आप में से कोई भी स्टूडेंट कह सकता है कि पपी कैसा होगा क्या आप बता सकते हो पपी कैसा है क्या आप ये कह सकते हो गार्डन कैसा है दोनों ही नाउन है दोनों ही नाउन लिखे हुए क्या आप कह सकते हो कि ये नाउन कैसा है

एग्जामिनर क्या करेगा एग्जामिनर को ही पता है अगर हम आर्टिकल लगा रहे हैं कोई भी तो हमें नाउन तो चाहिए होगा लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा देखो मैं आपके सामने बहुत सिंपल सा लिख रहा गर्ल मैंने हाँ पर लिखा ठीक है अगर मुझे आर्टिकल लगाना है तो मुझे नाउन चाहिए होगा तो मैंने नाउन लगा दिया अब मैं क्या करूंगा मैं चारों यार आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन ना लगाऊ थोड़ा सा गैप दू अब वो गैप क्यों दे रहा हूं इसका आगे कनेक्ट होगा पॉइंट मैंने क्या करा इसके अंदर इसके बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए एक वर्ड लिखा तो मैंने इस गर्ल है है, है के लिए आया है, तो है तो ये गर्ल यहाँ पे क्या है नाउन है इसका मतलब क्या है मैंने ये समझा कि अगर जब भी मैं आर्टिकल लिखूंगा और अगर नाउन दूर होगा तो बीच में अगर एक वर्ड है बात ध्यान से सुनना अगर मैंने आर्टिकल लिखा है और लास्ट में कहीं नाउन लिखा हुआ है और बीच में कोई भी एक वर्ड है तो वो कोई भी एक वर्ड पार्ट टू स्पीच में एडजेक्टिव ही होना चाहिए तभी वो सही माना जाएगा क्या यहां तक बात क्लियर है तो इसका मतलब मैं समझ गया कि अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर कोई भी एक वर्ड होगा तो वो सिर्फ एडजेक्टिव ही होगा ये बात मैंने नोट कर ली ठीक है अगर मैं ये कहूं कि मैं थोड़ा सा गैप और बढ़ा देता हूं तो मैंने ऐसे लिखा अ वेरी Beautiful girl. अब मैं यहां से समझा ये आर्टिकल ए जो है ये आया तो इस गर्ल के लिए ये अब इन्होंने बीच में दो वर्ड लिख दिए अब ये दो वर्ड में कौन कौन से लिख सकता हूं मुझे ये समझ में आना चाहिए तो मैंने कहा भाई नाउन के जस्ट पहले तो मुझे एब्जेक्टिव ही लिखना बनता है तो मैंने लिख दिया ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैं adjective से जस्ट पहले लिख सकता हूँ तो वो वर्ड होता है एडव क्या वर्ड होता है वो एडव हम उसको कहते हैं यहाँ तक क्लियर है ये मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ देखना इसका कितना यूज है है ना क्लियर है सभी को देखो तो मैंने यहाँ से ये सीखा मैंने कंक्लूजन ये ड्रॉ करा कि अगर आर्टिकल आएगा है ना तो मुझे नाउन देना पड़ेगा अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आर्टिकल है ना और नाउन के बीच में कितने वर्ड है मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन वर्ड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है उससे मुझे फर्क पड़ना चाहिए इन दोनों के बीच में जब हम आर्टिकल और नाउन के बीच में कितने भी वर्ड लिखें तो इन दोनों के बीच में सिर्फ दो ही तरह की पार्ट ऑफ स्पीच आ सकती है एक इसमें एडवर्ब आ सकता है दूसरा इसके अंदर एडजेक्टिव आ सकता है इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता क्या ये वाली बात इतनी सी आप समझ गए देखना अभी यही बात आपको बहुत बड़ा आंसर देगी क्या तक आपको क्लियर है बताइए तो मैंने आपको ये कहा अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं और अगर मैं नाउन लिख रहा हूँ तो बीच में चाहे मैं कितने भी लिख दू वर्ड चाहे मैं दस लिखू बीस लिखूं सौ लिखू लेकिन उनके पार्ट ऑफ स्पेज में एडवर्ब या एडजेक्टिव ही रखूंगा जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर आओ जैसे मैंने आर्टिकल दा लिखा तो देखो ना स्मॉल नाउन है मुझे तो नाउन चाहिए अगर आर्टिकल लिखा है तो नाउन चाहिए और नाउन हमेशा लास्ट वाला वर्ड होता है तो देखो ये जो पपी लिखा गया है ये आपका नाउन होगा क्या बात क्लियर है

लेकिन उसके अंदर सिर्फ हम एडवर्ब और एडजेक्टिव ही रख सकते हैं ठीक है अब जल्दी से यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं एडवर्ब क्या होता है और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन चल रहा हूं देखना इससे आपको कितना बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है तो हमने देखा यार एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब बस वो होता है जिसके पीछे एलवाई लगाओ अभी इतना समझ लो या फिर वेरी लिखा हो यह कॉमन एडवर्ब है जिसके पीछे एलवाई लिखा हो और जिसपे वेरी लगा हो तो वो एडवर्ब होता है ठीक है तो हमने देखा

ये जो आर्टिकल दा है जैसे ये आर्टिकल दा इस पपी के लिए लगा है ऐसे ही आर्टिकल दा इस बोल के लिए लगा अब ये बोल कैसी थी ये बॉल कलरफुल थी ये बोल क्वैकी थी क्वैकी का मतलब होता है आवाज करने वाली है ना ज्यादा बाउंसिंग मतलब बहुत उछलने वाली थी तो इसका मतलब क्या हो गया इस बोल के बारे में और इस आर्टिकल के बीच में जो गैप था उसको हमने एडजेक्टिव से भर दिया बात क्लियर है अब हमने देखा कि हमने एक एडवर्ब पढ़ा है तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है एडवर्ब का मतलब ये होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ठीक है ऑफ़ वर्ब, वर्ब मतलब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है वर्ब कैसे हो रहा है किस इंटेंसिटी के साथ हो रहा है धीरे हो रहा है तेज हो रहा है कैसे हो रहा है जैसे आपने देखा यहां पे चेज्ड करने की बात हो रही है चेज करने का मतलब पकड़ना कैसे पकड़ रहा था वो ईगरली बहुत बेताब होके बहुत उतावला होके तो ये इगर्ली ने हमें बताया ना वो कैसे पकड़ रहा था हमें क्या पता वो खुश खुशी से पकड़ रहा था दुख से पकड़ रहा था तो इसका मतलब क्या है जो इगर्ली वर्ड है जिसके पीछे अलवाई लगा है ये हमें शो कर रहा है कि यार हम वर्ब को और ज्यादा डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है एडवर्ब क्या होते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं इज इट क्लियर जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं तो यहां से हम एक चीज समझ गए कि जब भी एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब का काम क्या होता है वर्ब को क्वालिफाई करना तो भाई वो वर्ब के आसपास ही मिलेगा 99.99% .99 वो वर्ब के आसपास ही मिलेगा एडवर्ब क्लियर है अच्छा दूसरा काम क्या होता है वो एडवर्ब का एडवर्ब के तीन काम होते हैं एक एडवर्ब का काम क्या हो गया वर्ब को क्वालिफाई करना दूसरा एडवर्ब का काम होता है एडजेक्टिव को और ज्यादा क्वालिफाई कर देना अब एडजेक्टिव को और ज्यादा क्वालिफाई कैसे करेंगे देखो ऐसे करेंगे आ वेरी वेरी ब्यूटीफुल

तो इसका मतलब क्या है एडवर्ब के दो काम निकल के आ गए एक तो वर्ब को क्वालिफाई करना दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना इसका मतलब क्या है ये ये वर्ब के के आसपास आसपास भी भी मिल सकता भी मिल सकता सकता है 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 और और एक एक एडजेक्टिव क्या क्लियर इसका तीसरा काम और हो जाता है। खुद अपने आप को ही क्वालिफाई करना मतलब खुद एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है जैसे देखो वेरी को वेरी क्वालिफाई करना इसका मतलब क्या है खुद एडवर्ब अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है क्या क्लियर है लेकिन कभी भी एडजेक्टिव अपने आप को क्वालिफाई नहीं करेगा इसलिए हम एडजेक्टिव लिखते समय हमेशा कोमा लगाते हैं हम ये बताना चाहते हैं ये ये एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। ये इसकी अलग अलग विशेषता है इसलिए देखिए यहाँ पे कोमा का यूज हुआ है यहां पे कोमा का यूज हुआ है ये एक बारीक कंसेप्ट है जो आपको समझना है ठीक है जल्दी से समअप कर लेते हैं फिर उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे और सही आंसर देंगे आ जाइए देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैंने आर्टिकल लिखा है तो नाउन होना चाहिए तो हमारा फर्ज बनता है जैसे हमारा फर्ज बना था ना तीन पांच सात नौ के बाद हमें ग्यारह लगाना था क्योंकि हमने पैटर्न पकड़ लिया था ऐसे ही हमको जैसे ही आर्टिकल दिखेगा तो हमारी नजरें इस तरीके से काम करनी चाहिए कि हमें नाउन दिखना ही चाहिए कहीं भी लिखा हो तो हमें नाउन मिला नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव ठीक है एडजेक्टिव लिखेंगे अब जब भी हम तो कोमा लगा लगा के लिखेंगे अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे हमने अलग अलग करके लिख दिए अगर हमें और ज्यादा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है तो हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं बात क्लियर है ठीक है आ गया जाइए ठीक है अब आ जाओ उस वाले क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ के आए ये रहा वो क्वेश्चन अब जो चीजें मैंने आपको सिखाई है वो यहां पे इंप्लीमेंट करनी है पहला मैंने आपको क्या सिखाया है अगर आपको आर्टिकल दिख रहा है तो आपकी नजर नाउन पे जानी चाहिए अगर आपको आर्टिकल दिख रहा है तो आपकी नजर नाउन पे जानी चाहिए क्या क्लियर है सभी को तो मैंने यहां पर यह देखा पहले मैं दिखा देता हूं इसमें एरर है क्या ठीक है इधर आ जाओ देखो और हमें यह भी पता है कौन सा नाउन हमारे काम का है कौन सा नाउन हमारे काम का नहीं है तो हमने देखा यहां पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू तो के बाद ये जो ड्राफ्ट लिखा, तो बाद लिख मतलब ये का तो ड्राफ्ट लिखा हुआ ड्राफ्ट है हुआ। तो कोमा के बाद लिख नाउन आएगा पॉलिसी ये नाउन हमारे काम का है और देखो आर्टिकल दा के बाद पॉलिसी एक नाउन ही लिखा हुआ है और ये सिंगुलर है तो इस बिल्कुल सही है और इसके बाद थर्ड फॉर्म ये भी बिल्कुल सही है अब एट के बाद जो भी लिखा होगा वो नाउन होना चाहिए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपिंग अगर मैं इस के लिख तो डेवलप यहाँ पर डेवलप क्या हो जाता हो जाती. ये गलत हो जाती. इसलिए ये यहाँ पर इसके बाद नाउन बिल्कुल सही लिखा हुआ है लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि प्रिपरेशन के बाद है अब इधर आ जाओ मेरी बात ध्यान से सुनो देखो यहाँ पे आपको आर्टिकल ए दिख रहा है क्या बताओ सभी को दिख रहा है आर्टिकल ए अब मुझे अगर ये आपको आर्टिकल ए दिख रहा है तो इसका नाउन का है इसका नाउन जरा ढूंढो अब आपको सारी चीजें कनेक्ट होती सी दिखेंगी अब आपको एरर भी मिलेगी बताओ अब एरर मिल रही है आप सभी को मैंने कुछ नहीं करा खुद आपने आंसर दिया है बस मैंने आपको जरिया बताया है हमें अपना माइंडसेट कैसे रखना है क्वेश्चन को पढ़ते समय बताइए सभी को एरर मिल रही है क्या यस yes. तो अगर आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं यहां पे आर्टिकल ए लिख रहा हूं क्या ये नाउन है क्या नहीं सर ये तो एल्वा नाउन नहीं अच्छा ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई है या सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है दोनों एक ही बात है तो मेरी बात सुनो अगर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है तो जरूरी नहीं है थर्ड फॉर्म को।, को, को लेकिन अगर अनेबल्ड लिखा हुआ तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप एज्यूम कर सकते हो ना लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब भी व की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है तो वो एडजेक्टिव का भी काम करती है तो इसका मतलब ये हो गया अगर आर्टिकल ए इधर आ रखा है तो यहाँ पे वर्ब तो नहीं आ सकती ना क्योंकि कभी आपने सुना है कि आर्टिकल कोई भी आर्टिकल है उसके बाद आपने वर्ब लिख दी हो नहीं आ सकती आर्टिकल के बाद पहले नाउन आएगा इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इसका मतलब मैं यहाँ से समझ गया कि अगर आर्टिकल ए इधर आ रखा है ये एल वाई अगर एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव होगा और ये भी एडजेक्टिव होगा ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव है एंड ट्रस्टेस ये भी एडजेक्टिव है तो फिर नाउन कहाँ है इस आर्टिकल का तो देखो नाउन यहां पर आ रखा है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तो अब जैसे ही आपने इसको चेक करा अब आपको पता चला अरे भाई ये सिस्टम्स नहीं आएगा ओनली इकोसिस्टम आएगा और ये एग्जाम में आपके आए हुआ है इस तरीके से क्या आप पहले रीड करते थे क्या ये अप्रोच आप पहले लगाते थे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको देखते हुए चलना है जैसे देखो नजर मारी दा ठीक है नाउन है ठीक है नाउन है यहां पे देखा अरे नाउन ढूंढू पहले जैसे ही अब आर्टिकल आएगा अब आपका सीधा माइंड क्लिक होगा नाउन पहले मैं ढूंढ लेता हूं अगर आप ऐसे ढूंढ लोगे तो फिर आपको कभी भी ना आपके एरर गलत होंगे अभी इसी अप्रोच के साथ हम क्लोज टेस्ट भी करेंगे फिलिंदी ब्लैंक्स भी करेंगे वो भी मेंस लेवल के क्या यहां तक सभी को क्लियर है ठीक है अगर आपको ये अप्रोच बढ़िया लगी प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अब देखो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का माइंडसेट ये एग्जामिनर का माइंडसेट वर्क करता है देखो जिसने एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ लिया वो कंपटीशन एग्जाम जीत जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकाल लेगा तो मैं वो सब कुछ मैंने बहुत रिसर्च करी है मैं उसके ऊपर मैं पूरा चल रहा हूं कि एग्जामिनर का माइंड पकड़ सकूं अब आप मुझे एक बात बताओ जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं अगर मैं ऐसे लिखता तो आ लॉजिस्टिक्स है ना इको सिस्टम्स अब बताओ अगर मैं ऐसे ही लिख के देता तो आपको तो हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट इवन एक परसेंट भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता कि सर आर्टिकल ए किलो इकोसिस्टम इको सिस्टम करो ना तो एग्जामिनर को भी पता है ये तो हर बच्चा पकड़ लेगा ना तो वो ऐसे देगा क्यों आपको अगर उसको टफ बनाना है मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो वो इतनी बच्चों वाली एरर क्यों देगा आपको तो वो क्या करेगा आर्टिकल ए तो लिखेगा बीच में इतनी सारी चीजें लिख देगा कि आपका ध्यान ये आर्टिकल ए यहाँ पे कनेक्ट ना हो पाए ऐसे वो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है लेकिन अगर हमने सीख रखा होगा अगर मैंने आपको बता रखा होगा कि जैसे ही आपको आर्टिकल दिखे तो आपका चाहिए एक आप नाउन ढूंढ लो अब आपको एग्जामिनर बीट नहीं कर पाएगा अब आप एग्जामिनर को बीट कर देंगे आपको पता है आर्टिकल ए दिखाए तो मैं पहले नाउन ढूंढने निकलूंगा तो देखो कहीं भी आपको नाउन नहीं मिलेगा अगर नाउन आपको ढूंढना है तो नाउन आपको मिलना ही चाहिए और नाउन लास्ट में मिलेगा जो कि इको सिस्टम से गलत लिख रखा है क्या सभी को क्लियर है बताइए कैसा लगा ये आपको अप्रोच मैं ये यकीन के से किस के साथ कह सकता हूं कि स्टूडेंट ऐसे नहीं देखते हैं, वो सिर्फ रीडिंग करने आते हैं अगर आपने इसको दस बार रीड करा होगा ना तब भी आप इको को ए से कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब आप रीड करोगे तो आपको ए तो कहां छूट गया पीछे पता ही नहीं चलेगा क्लियर है अब देखो जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर यहाँ पे ऐसी नहीं आएगा करूं। तो ये भी बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट के मन में तो आज मैं इसको भी दूर करने वाला हूँ पहले बात को समझो पहले आपको ये पता होना चाहिए यार वर्ब के एनजी फॉर्म ही क्यों लगाते हैं ऐसी क्या बात हो गई है क्यों लोग आके कह जाते हैं प्रीपोजिशन होगा तो वर्ब के आइनजी फॉर्म आएगी ये डाउट पहले दूर कर लो ये डाउट ऐसे दूर होगा जब भी हम प्रीपोजिशन लिखते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के ही बन सकते हैं नाउन और के ही बन सकते तो मैंने देखा अगर तो तो प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आना, आना चाहिए लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन ही नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा वो तो वो वर्ब लिख के दे देते तो मैं क्या करता हूं वर्ब के अंदर आई एनजी फॉर्म लगा के इसको मैं एक नाउन बनाने की कोशिश करता हूं ये नाउन बन भी जाता है ये जिरंड बनता है इक्वल टू नाउन। क्या बात क्लियर है? ठीक है इज इट क्लियर तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर ये देखना होगा कि भाई जब भी प्रीपोजिशन आती है तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं देखनी है यही आपका जो कंसेप्ट है जो आप यूट्यूब पे बार बार पढ़ चुके हो यही कंसेप्ट आपका गलत है आपने रट रखा है हर एक चीज इसलिए आपका आंसर गलत हो रहा है हाँ भाई मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ये लोग मुझे ढूंढ के ना ले जाए कि ये कट ऑफ बढ़ा रहा है इंग्लिश की इसको पकड़ लो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है लेकिन कोई नहीं सब अपनी मेहनत कर रहे हैं जो ज़्यादा मेहनत करेगा जो डेडिकेशन के साथ स्टडी करेगा वो आगे निकलेगा ठीक है आ जाइए चलो देखो कंसेप्ट गलत है जो उसको सही करते हैं कंसेप्ट क्या बना रखा है लोगों ने जहाँ भी प्रिपोजिशन आएगा है ना कंसेप्ट ये बना रखा है उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी मैं कह रहा हूँ ऐसा कभी नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता ऐसा सोचना गलत हो जाएगा अभी आपने देखो सभी ने गलत कर दिया ना आंसर तो इसका अच्छे अच्छे से से समझो समझो इसके अप्रोच ठीक है जो आज आपका गलत हुआ है ना अब कभी गलत नहीं हुआ ये लिखा हुआ है गलत है ही नहीं है। अब समझो बात को पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रिपोजिशन जब भी आएगी जब भी चाहे कोई से भी कोने में प्रिपोजिशन लिखी हो उसके जस्ट बाद नाउन आना चाहिए या फिर प्रनाउन आना चाहिए ये कंसेप्ट होता है ये याद रखो ये याद मत रखो वर्ब के एनजी फॉर्म आएगी हमेशा गलत करोगे आज के बाद गलत नहीं होगा ये कंसेप्ट सीख लो मेरा प्रिपोजिशन के बाद नाउन या प्रनाउन आना चाहिए है ना अब एक काम करो मैं इतना सा उठा के यहां पे लिख रहा हूं मैंने लिखा फोर है ना एसी एंड इंक्लूसिव है ना ग्रोथ क्लियर है अब मैं काम कर रहा हूँ ये वाली लाइन उठा के ये वाली लाइन उठा के है ना ये वाली लाइन ये लिख रहा हूँ देखो बहुत बढ़िया आज तक नहीं सीखा होगा आपने ठीक है क्यों नहीं सीखा होगा क्योंकि मैंने ही नहीं ऐसे देखा था ना मेरे को ऐसे किसी ने बताया था यह मैं खुद की ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे मोक लगा के आप लोगों को सालों से पढ़ा के यहाँ तक पहुंचाऊँ ठीक है अब समझो ये मैंने एक पॉइंट लिखा अब मैं ये वाला लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रिपोजिशन है ना इसलिए लिख पा रहा हूँ तो ये मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा दी पॉलिसी है ना इज एम्ड आज के बाद ये कंसेप्ट गलत नहीं हुआ एट है ना developing, आ, है ना क्या टेक्नोलॉजी तो मैं पूरा नहीं लिखता हूं इतना लिख के छोड़ दे रहा हूं क्लियर है इतना लिख के छोड़ दे रहा हूं अब इधर आ जाओ मैं कलर चेंज कर रहा हूं अब समझो बात को बहुत ध्यान से समझना देखो मैंने आपको क्या कहा प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आने चाहिए ये कंसेप्ट पहले निकाल दो Preposition के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आएगी गलत कंसेप्ट है मतलब अल्टीमेटली होता ही है लेकिन ये गलत रटाया जाता है आपको ये याद रखना है प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा नाउन आएगा अब मेरी बात सुनो ध्यान से अगर यहां पर एट लिखा हुआ है तो एट के बाद अगर मैंने डेवलप लिख दिया रहता ठीक है मान लेते हैं एट के बाद मैंने डेवलप लिख दिया तो आप मुझे एक बात बताओ डेवलप वर्ब होता है या नाउन होता है मुझे बताओ आप सभी कहेंगे सर डेवलप तो वर्ब होता है तो आपको मैंने अभी क्या बताया प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है नाउन आता है तब आप क्या करोगे ये जो डेवलप है ये वर्ब लिखा हुआ है तब आप क्या करोगे इसके अंदर आईएनजी फॉर्म लगा के इसको डेवलपिंग क्यों करोगे क्योंकि आपको नाउन चाहिए था और ये वर्ब थी वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से नाउन बन जाता है इसलिए हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर भी हम एसिलेटिंग कर देते हैं लेकिन बात को सुनो समझो अब आपने यहाँ पर फोर देखा तो आप कहेंगे सर फोर भी प्रीपोजिशन है अब हमें इसके बाद तो नाउन चाहिए अरे भाई किस डॉक्टर ने कहा है कि द आर्टिकल लिखा हो उसके बाद नाउन आता है तो वो चिपक के ही नाउन आएगा ऐसे किस डॉक्टर ने कहा है प्रिपोजिशन के बाद नाउन आता है तो वो जस्ट चिपक के ही नाउन आना चाहिए तभी सही होगा भाई नाउन में दूर भी तो लिख सकता हूँ मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैंने प्रिपोजिशन लिखा और बीच में दो तीन वर्ड लिखे उसके बाद नाउन लिख दिया तो ये भी तो मेरा नाउन है इस प्रिपोजिशन के लिए अब इस नाउन की मैं डेफिनेशन नहीं बता सकता क्या एडिशनल चीजें नहीं बता सकता क्या इसको एडिशनल चीजें बताने से मुझे कौन रोकेगा कोई नहीं रोक सकता मेरा जो अल्टीमेट एम है मुझे प्रिपोजिशन के बाद नाउन चाहिए वो मैं दे रहा हूं भले मैं दो तीन वर्ड बीच में लिखने के बाद दू तो मैंने यहां पर देखा अगर मैं फोर लगा रहा हूं तो मुझे नाउन चाहिए ये नाउन नहीं है ये भी नाउन नहीं लेकिन ये तो नाउन है ग्रोथ ये नाउन आ गई भाई ग्रोथ तो उसका मतलब क्या था मेरा जो गोल था प्रिपोजिशन के बाद नाउन चाहिए रहता है तो ये नाउन मैंने लिख तो दिया हाँ लेकिन शर्त ये है इस नाउन के पीछे या तो एडजेक्टिव ही लिखा होना चाहिए या एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक वर्ब सॉरी एडवर्ब लिखा होना चाहिए बस ये रूल फॉलो होना चाहिए तो मैंने कहा अगर यहाँ पे फोर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ गया ये ग्रोथ मेरे पास नाउन है अब ये ग्रोथ कैसी है ये इंक्लूसिव ग्रोथ है और ऐसी ग्रोथ है तो इसका मतलब मैं ये समझ गया ये वर्ब नहीं लिखी है वर्ब के थर्ड फॉर्म एज एक्टिव का रोल प्ले कर रही है अच्छा इसलिए मैं इसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्या बात क्लियर है सभी को यहां तक क्लियर है यस जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखा एन एक्सपीरियंस डॉक्टर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहां पे मानसी ने एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर अब ये आर्टिकल

है ना और उसके बाद एसिलेटेड लिख दिया छोड़ दिया अब आपने एक नया सेंटेंस यहां से कोमा लगा के कोई नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे कोमा लगाया और आपने ये लिख दिया वापिस यहां पे लिख दिया आपने इंक्लूसिव ग्रोथ इस तरीके से आपने यहां पे लिख दिया अब ये गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि अब इस एडजेक्टिव को इसका नाउन नहीं मिला कोमा आ गया बात अलग हो गई अब इसको इसका नाउन नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है अब ये गलत हो गया क्योंकि हमें फोर को एक नाउन देना पड़ता है अब इस एसिलेटेड ग्रोथ तक नहीं पहुंच पाएगा इसका यहाँ पे कनेक्शन कट हो गया क्या क्लियर है यहाँ पे सभी को बताइए अगर एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया इसका मतलब क्या है इस एडजेक्टिव को हमने इसका नाउन नहीं दिया अब ये फोर के साथ ही गलत मान लिया जाएगा अब आपको इसको वर्ब के एनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं भी लाइव बैठा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्लियर है सभी को यस yes. तो आपको ये याद रखना है जब भी प्रिपोजिशन आएगी अगर उसके बाद सिर्फ ओनली ओनली वर्ड याद रखिएगा ओनली अगर वर्ब लिखी हुई है इस वर्ब के जस्ट बाद ना कोई नाउन है नाउन ही होगा अगर इस वर्ब के बाद नाउन नहीं है तो ये फिर वर्ब को कंपलसरी बन जाता है भाई हमें एक नाउन बनाना और इसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना

मैं आपको बिल्कुल जो आपका छोटे से छोटा डाउट बन सकता है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी कुछ कमी रह जाए तो कमेंट में लिखिएगा जरूर ठीक है चले आगे बताइए पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा पहले क्वेश्चन से हमने सीखा सर अब जब भी आर्टिकल आएगा ना तो हम जरूर ऐसे क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे ठीक है अब आगे आ जाओ अब इधर आ जाओ इसमें देखो आप लोगों ने दो मिनट लिए थे और सभी का आंसर गलत आया था या एक का सही भी आएगा तो मुझे भी नहीं पता उस समय तो आप बी भी, भी दे रहे थे और आपका ही गलत है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है पहले आप खुद बताओ देखो सच सच बताना दिल पे हाथ रख के अगर मैं इतना बड़ा सेंटेंस पढ़ूंगा तो मेरे दो मिनट वेस्ट नहीं होंगे क्या बताओ और इसमें क्या कचरा लिखा गया है मुझे ये भी नहीं जानना लेकिन मेरे दो मिनट तो वेस्ट होंगे ना अब आप खुद बताओ इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस उस टाइम प्रेशर के अंदर अगर हम कर भी रहे हैं मान लिया हम कर रहे हैं तो क्या गारंटी हम जो ऑप्शन लगा रहे हैं वही सही होगा क्या पता गलत हो जाए क्या जा पता गलत पढ़ लें तो फिर हम क्या करेंगे हम ग्रामर का हेल्प लेंगे और ग्रामर का हेल्प हेल्प कुछ नहीं पार्ट ऑफ स्पीच का लेंगे बस ठीक है आ जाओ पार्ट ऑफ स्पीच का हेल्प लेते हैं कैसे लेते हैं समझते हैं इसको है ना आ जाइए देखिए मैंने क्या करा मुझे पता है यहां पर मुझे और यहां पे मुझे और यहां पे मुझे वर्ड्स को फिल करना है तो पहले मैं क्या करूंगा जब भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पे बहुत ध्यान दिया जाता है तो आप एक बात बताओ अगर आर्टिकल यहां पर है तो एक कंपोनेंट जो होगा ये नाउन हो गया ना बताओ ये नाउन हो गया ना कंपोनेंट नाउन है अब आप सभी को बताए सर नाउन से जस्ट पहले आपने बोला था नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव आ सकता है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही आ सकता है है ना तो इसका मतलब क्या है सर यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए बात क्लियर है क्या बताइए

तो इसका मतलब क्या है सी नहीं आ सकता क्योंकि सी में वो है और यहाँ पे आर्टिकल ए है तो ये नहीं आ सकता अच्छा परमिशन भी नहीं आ सकता क्योंकि परमिशन तो नाउन है पीछे आई यू एन लगा हुआ अच्छा माल फंक्शन भी नहीं आ सकता तो इसका मतलब क्या है अच्छा तो मेरे पास सी डी और ई e, फर्स्ट में नहीं आ सकते तो जिस ऑप्शन में सी जिस ऑप्शन में फर्स्ट में सी है देखो फर्स्ट में सी है ना हटा दो जिस ऑप्शन में फर्स्ट में डी है हटा दो जिस ऑप्शन में फर्स्ट में डी है हटा दो अब आप खुद बताओ कहा आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे अब कहा आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए इन दो को अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा या उसका आंसर जल्दी आएगा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ के आ रहा है रीड करके आ रहा है और हर एक वोकेबलरी या जो भी यहां पर वर्ड्स लिखे हुए हैं वो यहां पर रख रख के देख रहा है बताइए कौन जल्दी बना पाएगा हम जल्दी बना पाएंगे क्या है ये वाली अप्रोच आप पहले कभी लगाते थे अगर नहीं भी लगाते थे तो आज से आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी भी मैं नहीं कह रहा हूं रीड करो अभी भी मत करो अभी भी आपके पास स्कोप है और देखो ये ऑप्शन मैंने तो नहीं बनाए ये तो ओली बोर्ड के ऑप्शन हैं वो भी मेंस के अब आपने यहां पर ये देखा कि सर अब हम क्या करें दो ऑप्शन तो अभी भी आ रहे हैं अब आप एक काम करो ये जो ए लास्ट में लिखा हुआ है इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि इस ए से तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे ना नहीं कर पाएंगे फिर मैं क्या करूंगा मैं एफ और डी को जरा चेक कर लेता हूं भाई फिर मैं क्या करूंगा F D को चेक कर लेता हूँ अच्छा मैं फर्स्ट को क्यों नहीं चेक करा क्योंकि देखो पे आ सकते हैं अब मेरे को रीड नहीं करना पहले रीड नहीं करना मैं जहां तक हो सकता है मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर लूंगा तो मैंने क्या देखा मैंने देखा अगर यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है तो जिस ऑप्शन में सी क्योंकि सी हालांकि ये इमीडिएट पर ये आ सकता था लेकिन आई होने होने के 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 कारण वोवल के कारण वोवल इस ए ए ए साथ बैठेगा नहीं नहीं इसलिए सी डी और e मैं कट कर रहा हूं। तो मैंने मैंने जल्दी से से ऑप्शन हटा अब मैंने देखा लास्ट में A है A को रीड करने से कोई फायदा को क्योंकि बी भी पार्ट ऑफ स्पीच में, है। भी और भी पार्ट और में है। अब मेरा पूरा दिमाग लगेगा कि मैं F और D को कंपेयर करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पे, मतलब इदर. तो इदर भी मैंने देखा दा रखा है तो ये नहीं होगा भाई। ये नाउन है डी ना, तो नाउन तो बैठा हुआ है डी तो नाउन है ही तो डी तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है ना तो इसका मतलब क्या ये ऑप्शन आपका कट हो गया अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा सी एक ऑप्शन बचा है चाहे आप कुछ भी कर लो कैसे भी रीड कर लो ये ही हंड्रेड परसेंट आंसर आपका सही है अब इसका बेनिफिट सुनिए इसका बेनिफिट यह है इतना बड़ा मैं रीड क्यों करूं मैं क्यों इन वोकैबलरी के मीनिंग अगर मुझे आते हो नहीं आते हो मुझे, मुझे क्यों चेक करना बस मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही ऑप्शन निकलौता ऐसा बचेगा जो आपका आंसर होगा और वो आपको भी पता है ये आंसर मैंने जो भी लगाया होगा ये मेरा हंड्रेड परसेंट करेक्ट होगा बताइए कैसी लगी ये अगर आपको ये अप्रोच बढ़िया लगी तो प्लीज जेनवनली बोलूंगा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है इससे अच्छी वीडियो या इस हिसाब से जिस हिसाब से मैंने यहां पर कैप्चर करा है किसी और ने भी पहले करा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं गारंटी ले रहा हूं ऐसा कंटेंट किसी ने नहीं दिया बताइए अब आप खुद बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन क्या आप इतनी जल्दी कर सकते थे अब आप कर लेंगे क्योंकि अब मैं अप्रोच दे चुका हूं अब मैं आपको थिंकिंग दे चुका हूं अब आप कर लेंगे पहले नहीं कर पाते यहां तक क्लियर है सभी को बताइए चलें आगे चलिए आगे चल जाते ठीक है जी तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहां से ऐसे कैप्चर करा तो बेसिकली आज मैं आपको ये सिखाने आया हूं कि नाउन का यूज आपको कैसे करना है इसके लिए आपको नाउन के सारे फंक्शन मतलब नाउन कहाँ कहां, -कहां यूजफुल है कहां, -कहां यूजफुल नहीं है पता होना चाहिए तो ये वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बार बार रिपीट करके देखनी है फिर मैंने आपको ये बताया कि नाउन तो बहुत सारे आएंगे लेकिन हमें अपना बेनिफिट जिससे मिलेगा वो वाला नाउन पकड़ना है ठीक है उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एडजेक्टिव भाई कहां आ सकता है

लेकिन कोशिश ये करिएगा न्यूज़पेपर में आप वही न्यूज पढ़ें जो आपके एग्जाम रेलिवेंट हो मैंने ये न्यूज़पेपर खोल लिया अब मुझे कुछ नहीं करना है देखो तो न्यूज़पेपर है इसमें एरर तो होगी नहीं मैं इसमें एरर क्यों ढूंढूंगा नहीं ढूंढूंगा बस मुझे क्या करता है देखो रीडिंग अपनी जगह रीडिंग आपको करनी है जब आप रीडिंग करो तो ग्रामर मत देखो जब ग्रामर करो तो रीडिंग मत देखो अगर आप रीडिंग ग्रामर दोनों साथ में लेके चलोगे तो यहाँ भी टाइम वेस्ट होगा जब आप न्यूज पढ़ रहे हो और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तब भी टाइम वेस्ट होगा जब आप रीडिंग कर लोगे तो ग्रामर से आपको लगेगा यार ग्रामर से तो ये होना चाहिए लेकिन रीडिंग ये कह रही है। तो दोनों को मिक्स मत पहले न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लो रीडिंग कर लो कॉम्प्रीहेंट कर लो समझ लो उसके बाद ग्रामर पे, ग्रामर पे कैसे आना पहले लगा है ना हाँ सर एडजेक्टिव लगाए सही है ये तो सही होगा ना लेकिन आपको क्रॉस चेक करते हुए चलना आप ऐसे समझ लो ये जो द हिंदू का एडिटर है इसकी आप कॉपी चेक कर लो है ना तो कॉपी चेक करने के लिए आपको सारे रूल्स आने चाहिए तभी चेक कर पाओगे ठीक है तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। अब आपने देखा आर्टिकल था ये 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 नाउन नाउन का है 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 भाई ये रहा सर अब कैसा था? ये जो भी बातें लिख रखी हैं सब एडजेक्टिव ठीक उसके बाद आपने देखा आर्टिकल ए आ गया आर्टिकल ए आ गया तो नाउन का है ये तो नाउन नहीं है ये रहा नाउन पोर्ट्रेट अभी कैसा पोर्ट्रेट था फेस्टिनेटिंग पोर्ट्रेट था ठीक है ऐसे आपको पूरा न्यूज़पेपर में एक कोई भी एक आर्टिकल ऐसे करके पढ़ लेना है क्या क्लियर है आपको यहाँ पे सभी को ठीक है चले अब आगे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके से इसको बना रहे हो अब आपने देखा अरे सर LY लगा हुआ है अगर एलवाई लगा हुआ है तो आगे मुझे या तो वर्ब चाहिए रहेगी या फिर मुझे एडजेक्टिव चाहिए रहेगा ऐसे आपको ढूंढना है तो आपने देखा एलवाई के आगे क्या लिखा हुआ है एंटी कोलोनियल अच्छा एडजेक्टिव लगा हुआ है मतलब इन्होंने सही लिखा हुआ है ऐसे आपको रिवाइज करना है ठीक है ना ऐसे नहीं करना है मेरी वीडियो आई देख ली काम खत्म डेली रिवाइज खतम ऐसे आपको आधे घंटा मैं कहता ऐसे आपको अप्रोच लगाते हुए भी, भी अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या समझ में आ रहा है ठीक है अब आ जाओ और आगे चलते हैं हम अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट का हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके लिए ठीक है आगे आ जाओ देखो तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस पपी के बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं इस तरीके से दे सकता हूं अब और थोड़ा आगे निकल जाते हैं देखो यहाँ पे लाइब्रेरी लिखी हुई है क्या बोला जा रहा है देयर देअर अ लाइब्रेरी अब ये लाइब्रेरी कैसी है हमें क्या पता यार अगर मुझे इसको लाइब्रेरी को और ज्यादा आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा आर्टिकल लगाए ये लाइब्रेरी लिखी हुई है अब लाइब्रेरी की मैं विशेषता देना स्टार्ट करूं तो मैंने लाइब्रेरी की विशेषता दी क्वाइट वेल लिट एंड मॉडर्न लाइब्रेरी ठीक है तो इसका मतलब क्या है ये चाहे तो आर्टिकल और नाउन में बहुत ज्यादा दूरी भी बना सकते हैं कम भी बना सकते हैं बस हमें ध्यान रखना है अगर इनके बीच में डिस्टेंस बनेगा तो पीछे आने वाले वर्ड्स या इनके सेंटर में आने वाले वर्ड आर्टिकल और नाउन के सेंटर में आने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं और उनकी पार्ट ऑफ तो स्पीच क्या होनी चाहिए क्या क्लियर है सभी को तो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नाउन को बच्चों का खेल समझते हैं

एलवाई तो आपको पता है ना एलवाई जिसके पीछे आता है वो एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब के बाद हम नाउन नहीं लिख सकते गलत हो जाएगा नाउन से जस्ट पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं लेकिन ये फिर भी सही है क्यों सही है क्योंकि देखो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कभी कभी एक्सेप्शन केस आ जाते हैं और वो ज़्यादा नहीं है बहुत लिमिटेड है अगर आप रीडिंग अच्छी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा देखो फ्रेंडली यहाँ पर हालांकि इसके पीछे एलवाई लगा है लेकिन ये एडवर्ब नहीं है एडजेक्टिव ही होता है है ना ये एडजेक्टिव ही होता है अब हमें कैसे पता चलेगा सर ये एडजेक्टिव है तो यार ये कुछ वर्ड है याद कर लो नहीं तो मैं आपको इसका कंसेप्ट भी सिखा देता हूं देखो अगर आप कोई फ्रेंड प्लस एलवाई तब जाके एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है अब इसका यहां से एक कंक्लूजन आप ड्रॉ करो कंक्लूजन ये बनता है जब हम किसी भी नाउन के एंड में एलवाई लगाते हैं तब जाके वो क्या बन जाता है एडजेक्टिव बन जाता है अगर हम नाउन के अंदर एलवाई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा लेकिन अगर हम एक एडजेक्टिव के अंदर जो पहले से एक एडजेक्टिव है अगर हम उसके अंदर एलवाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बनेगा अब ये क्या बात हो गई सर इसको समझो देखो आपको पता है फ्रेंड एक नाउन है इस फ्रेंड के अंदर मैंने एलवाई लगाया फ्रेंडली जो ये बना तो ये फ्रेंडली ने क्या बना दिया इसको एडजेक्टिव बना दिया अब मैं एक एडजेक्टिव ले, ले लेता हूं पहले से

Yes. जैसे है, उसके अंदर एलवाई लगाया तो ब्यूटीफुली तो ब्यूटिफुली बन गया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है 99 .99 जिसके में आता है, वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं भी होते वो जब भी आएंगे आपको ध्यान में रखना है नोट डाउन कर लेना है वो याद हो जाएगा इतना लफड़ा नहीं होता इसका याद हो जाएगा क्या क्लियर है सभी को ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाते ये भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आप बाद में पढ़ लेना देखिए शी डांस कैसा डांस कर रही है ठीक तो है अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल दा लिखा हुआ है तो दा के बाद स्टेज आ गया नाउन इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया काम खत्म करा अब स्टेज के बारे में और इलेबोरेट करना था तो बीच में वर्ड्स हम लिख देते और वो वर्ड क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं ठीक है अब ये आप एक बार रीड कर लेना ये सब ऐसे ही है जैसे पे पे देखो उसने painted कैसा करा Vibrantly, badly, badly, sorry, boldly और thoughtfully. अब आप कहेंगे सर जो painted लिखा हुआ है ये वर्ब है है ये ना और आपने कहा था वर्ब के आसपास ही वाई वाले वर्ड आते हैं लेकिन ये तो थोड़ा दूर है तो भाई कभी कभी दूर भी लिख सकते हैं वो ये आप जब आप रीडिंग अच्छी करेंगे तब समझ में आएगा है ना रीडिंग से समझ में आएगा पे पेंटेड कैनवास पहले उसने बताया उसने क्या पेंटेड करा ये पेंट करा अब कैसा करा यह बाद में लिखा गया क्लियर है ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं अब देखिए देखिए पे आर्टिकल था है। तो आर्टिकल था किसके लिए आया होगा भाई ये एरोमा के लिए आया होगा अब ये एरोमा कैसा था यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर है अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेशली तो ये फ्रेशली क्या कुछ चीज फ्रेशली हो रही है कुछ एक्शन फ्रेशली हो रहा है एक्शन मतलब वर्ब तो बेग्ड ये जो बना है ये फ्रेशली बना है अभी अभी बना है क्लियर है ये सब आपको पता होगा लेकिन मैं इसके ऊपर एक प्रकाश डाल दूँ एक रोशनी डाल दूँ जिससे कि आप इसको वापस से रिवाइज करें और मेरे साथ इम्प्लीमेंट करें ठीक है चलिए अब आ जाइए इधर मेरे साथ क्वेश्चन बनाने पे आ जाइए देखो अभी आपने मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन करा इसका आंसर मैंने आपको बता दिया सी कैसे आया अब आप मेरे को इसका आंसर बताओ जल्दी से है ना इसका आंसर मुझे आप बताओ क्या आएगा आंसर क्या सबके सेम आ रहे हैं आंसर क्या सबके सही आ रहे हैं आंसर सेम तो आ रहे हैं सही भी तो आने चाहिए आंसर पक्का बीडीएफ लगा दें देख लो चलो इधर आओ देखते हैं, जो आप दे रहे आंसर वही आएगा क्या चेक करते हैं देखो तो मुझे पता है यहां पर मुझे फिल करना है यहां पर मुझे फिल करना है और मुझे यहां पर फिल करना है ठीक है भाई ओके अब देखो मेरी बात सुनो आपको ही पता है यहां पर हैज लिखा हुआ और यहां पर थर्ड फॉर्म आ रखी अगर मैंने यहां पे हैज लिखा है

रीड करना पड़ेगा ठीक है फिर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर ए आ आ रहा है पे सी रहा है और यहाँ पे डी आ रहा है और यहाँ पर एफ आ, आ रहा है इसका मतलब यहां से कुछ क्लू निकाल सकता हूं क्या मैं यहां से कोई क्लू निकाल सकता हूँ चलो यहां से चेक करते हैं उससे पहले मैं एक काम और करता हूं कि यहां पर है ना इन्होंने एफ एफ लिखा हुआ है यार देखो एफ एफ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ठीक है चलो कोई बात नहीं वन बाय वन चलते हैं अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ ग्रैंड स्लैम तो ही के बाद यहाँ पे वर्ब आएगी उसने डैश करा वर्ब आएगी हिज ग्रैंड स्लैम तो यहां पर वर्ब अगर आएगी तो यहां पर क्या आ सकता है फ्रोट इंक्रीज इंक्रीज ग्रैंड स्लैम सर्व तो नहीं आ सकता पहले देखो हमें A, C, D और F के साथ जाना है डी सी सॉरी ए सी डी और एफ तो मैं यहां पर देख लेता हूं कि यहां पर आ क्या नहीं सकता पहले तो मैंने यहां पे देखा इंपेरेटिव नहीं आ सकता क्योंकि तो इंपेरेटिव एक एडजेक्टिव है देखो मेंस के एग्जाम में हमेशा चेक करा करो क्या नहीं आ सकता तो मैंने देखा ये तो एडजेक्टिव है तो ये नहीं आएगा तो मतलब जो सेंटर में ये लिखा है वो नहीं आ सकता अब ये क्या कह रहा है सी डी और एफ तो यहाँ पर डी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है एफ बी आ सकता है मान लेते हैं लेकिन एफ नहीं आ सकता सेंटर में क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सीवियर तो यहाँ पे सीवियर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सीवियर क्योंकि यहाँ पे वर्ब चाहिए तो इसका मतलब क्या है जिसमें सेंटर में एफ है वो नहीं आ सकता इसको हटाना

तो क्या हमें पूरा रीड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा ठीक है अब देखो आप लोग खुद बना पा रहे हैं आपको बेटर फील हो रहा होगा पहले से है ना तो ऐसे अगर हम करेंगे ये अप्रोच हमें प्रैक्टिस में लानी है सिर्फ मेरी एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा आपको मेरी रेगुलर वीडियोस देखनी है और उसको प्रैक्टिस में लाना है तभी आप इतने एक्सपर्ट हो पाओगे जितनी प्रैक्टिस करोगे कभी गलत भी होंगे तो आप सीखोगे गलत क्यों गए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम कभी भी टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें लगेगा यार हम जैसी अप्रोच प्री में रखते हैं वैसी अप्रोच हम मेंस पे रख रहे हैं सेम हो जाएगा हमारे लिए ठीक है क्लियर है सभी को चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं है ना फिर इसी क्लास को सेम क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है देखो बहुत बड़ी क्लास है इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे लेकिन आपका फर्ज बनेगा आज आप इसको स्प्रेड करें जिससे कि कल हम फिर वापस से आ पाए और इस क्लास को कंटिन्यू कर पाए ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को बनाओ देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है इसमें दो एरर है अब आपको दो एरर ढूंढनी है बताइए क्या एरर है जल्दी से आंसर दीजिए इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे देखो मैं यहाँ पर एक शानदार ये ये क्वेश्चन जरूर करेंगे ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे हम एंड करेंगे आज की वीडियो। ये कर लो। ये बना। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा आ जाओ देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने मेंस में आ गया अब हमें इसमें से आंसर मतलब अब हमें क्या करना है इसमें से हमें एरर ढूंढगी अब हमें नहीं बता ना एर का है तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से रीड करेंगे आज वो रीड करते हैं देखो एशिया स्टार्टिंग में नाउन है आ गया सिंगुलर चेक हो गया सही है भाई आर्टिकल ए आया तो नाउन ये आ गया भाई नाउन टर्म कैसी थी एडजेक्टिव ही लिखा है ना हाँ सर एडजेक्टिव ही लिखा हुआ है देन के बाद आर्टिकल ए किसके लिए आया कॉन्टिनेंट के लिए आया ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया समझ में आ रहा है हर एक चीज पता चल रही है जिस दिन आपको देखते ही हर एक चीज समझ में आ जाए समझ लेना आपकी इंग्लिश बढ़िया हुई अनु ने आंसर ढूंढ लिया यार बहुत बढ़िया बात है आज तो आपने देखा यहां पर यह सब्जेक्ट ठीक है यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं मतलब जो सब्जेक्ट था उसकी वर्ब है जो आर्टिकल था उसका नाउन है सब कुछ लिख रखा है कोई गड़बड़ अभी तो नहीं है अब देखो कोमा लगा है कोमा जब भी लग जाता है नया सब्जेक्ट आ जाता है हमने देखा एंड के बाद दी यूज भी लिखा हुआ है दी यूज अब ये जो नाउन आया है इसके पहले ना वर्ब है ना प्रिपोजिशन है मतलब ये नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है और बना हुआ है है क्योंकि कोमा के बाद है। तो ये सब्जेक्ट बन गया भाई अब हमारा फर्ज बनता है इसकी वर्ब ढूंढना है ना अब हमारा फर्ज बनता है इसकी वर्ब ढूंढना जाओ अब ये ऑफ है ऑफ के बाद ये वाला नाउन हमारे लिए काम का नहीं है टू के बाद ये डिस्क्राइब हमारे काम का नहीं है सच सॉरी सच के बाद मैं आपको बता चुका हूं पहले भी सच के बाद हम एग्जाम्पल लिखते हैं जो भी बात हम बोल चुके होता है ना उसकी एग्जाम्पल लिखते हैं मतलब ये इसी का पार्ट होता है जो आगे लिखा हुआ है ना तो इस टर्म का पार्ट है सच सम सम वास्ट वास्ट ये जो भी है ये है है हमारे काम का नहीं ठीक हमें इसकी वर्ब ढूंढने निकलना है आज वर्ब ढूंढ रहे हैं ऑलवेज कैरी ये कैरी वर्ब आ गई ये वर्ब को पकड़ लो अब ये वर्ब किसकी है भाई ये वर्ब इस यूज की है तो यहाँ पर ये कैरी नहीं होगा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कैरीज लिखना पड़ेगा आई बात समझ में यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कैरीज लिखना पड़ेगा क्यों लिखना पड़ेगा क्योंकि एंड के बाद एक सब्जेक्ट था या इसकी इसकी वर्ब वर्ब नहीं थी तो इसकी पकड़ के निकाली ये दी कैरी तो यही आएगा पे carries। क्या क्लियर है सभी को तो इसका मतलब क्या है हमारे पास सी में एरर थी भाई सी में क्या आएगा कैरीज आएगा अब इन्होंने करा क्या आपको इन्होंने कैसे फसाया ऐसे फसाया इन्होंने दे दिया एक प्लुरल एरियाज़ तो ऑलवेज कैरी रीडिंग वाले जो भी थे वो यहाँ पे सबके सब नेगेटिव सब मार्किंग लेके जाएंगे घर पे क्योंकि यहाँ पर एरियाज के बाद उनको क्या लगेगा कैरी सही लिखा हुआ लेकिन ये एरियाज के लिए तो वर्ब है ही नहीं आपको एक्चुअल सब्जेक्ट ढूंढना था और एक्चुअल सब्जेक्ट अगर आप मेरे साथ चलते हुए आ रहे हैं तो आपको ये एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसकी कोई वर्ब नहीं मिलेगी और इसका हमें सब्जेक्ट ये मिल सॉरी इसकी वर्ब ये मिलेगी यहाँ पे क्या आएगा कैरीज आएगा क्लियर है सभी को अब ये सच के बाद ये जो सम वास्ट एरिया लिखा है ना ये एग्जाम्पल है डिस्क्राइब डिस्क्राइब क्या देस्क्राइब करने को बोला जा रहा है ये डिस्क्राइब करने को बोला जा रहा है तो इसका कोई रोल नहीं है ये मेन नाउन है नहीं क्योंकि डिस्क्राइब के बाद लगा हुआ है ऑब्जेक्ट बन गया है क्लियर है अब एक और एरर क्या है तो पूरी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा अगर आपको कहीं भी एड्स दिखे तो एड्स के बाद भी एक नाउन चाहिए होता है ध्यान रखिएगा इस एड्स के बाद आपको एक नाउन चाहिए रहेगा अगर आपको इस एड्स के बाद नाउन नहीं मिल रहा है इट मीन ये एड्स गलत है ठीक है तो आपने देखा यहां पर अगर इट्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है इसके बाद नाउन चाहिए था लेकिन एन जो एन लिखा हुआ है तो एक वर्ब है तो तो एक मतलब क्या है कुछ तो गड़बड़ है तो इसका मतलब क्या है हमें यहां पर कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अगर मैं यहां पर इसको एड्स कर देता हूं ये वाला एड्स तो काफी स्टूडेंट को ही पता होगा एड्स एड्स का मतलब क्या होता है एट इज़ एन तो कम्पास्ड कर देना चाहिए था इसका मतलब क्या है इट्स ये वाला इट्स भी नहीं आएगा फिर क्या आएगा सिंपल इट लिखो इट सिंपल इट लिखो इट एन का मतलब क्या होता है शामिल कर लेना किसी भी चीज में इंक्लूड कर लेना अब ये इट हमारे पास सब्जेक्ट बन गया है ना सब्जेक्ट कैसा बन गया सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया इसलिए वर्ब के अंदर ऐसे लगाइए वर्ब को भी सिंगुलर किया गया है उम्मीद करता हूं आपको इस अच्छे से समझ में आ गया होगा बताइए सबको समझ में आ गया ठीक है अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और कोई डाउट है तो पूछिए ठीक है चले आगे अब वो लास्ट क्वेश्चन बस आज का लास्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बना दो कौन बना रहा है जिसने इसका आंसर दे दिया वो भी सही टाइम भी नोट करना भाई कितने टाइम में दे रहे ये होगा क्वेश्चन ऑफ द डे आज हम सीख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्री लेवल के क्वेश्चंस करेंगे आज ये जो अप्रोच दे रहा हूँ आपको मैं प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करिए प्रैक्टिस करिए और स्टूडेंट तक शेयर करिए जिससे कि हम कल इस क्लास को कंटिन्यू कर पाए देखो एक बार अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं बताता हूँ मैंने इस पर बहुत रिसर्च है देखो ये देखो स्मार्ट कीड़ा दिख रहा है स्मार्ट कीड़ा के क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन से आगे ये देख रहे हो अभी तो ये स्लाइड मैंने छुड़वा दी देखो इसमें कितने एरर थे यहाँ पे और भी मैंने आपको कुछ छुड़वाए ये तो हो गया मतलब अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लाइंड अप है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए कल मुझसे जुड़िए कल मैं ये वीडियो बना पाऊ बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए थैंक यू असीम थैंक यू ऑल ऑफ यू आप सब वैसे ही मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी जितना हो सके करिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज हो मेरे साथ सुनो जिसका आंसर नहीं आया है वो वीडियो पोस्ट कर ले इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं समझिएगा देखो दो तरह के स्टूडेंट होंगे अगेन वो इसको रीड करेंगे और रीड जब आप करोगे तो बहुत खतरनाक यहाँ पर वर्ड्स भी है वो कैप भी और अच्छा सेंटेंस बना रखा है लेकिन हमारा काम क्या होगा हम ग्रामर लगा सकते हैं क्या अगर देखो ग्रामर लगनी होगी तो लगेगी अगर ग्रामर का ऑप्शन ही वो नहीं देंगे तो नहीं लगेगी और उसको कैसे टैकल करना है वो भी मैं सिखा चुका हूँ अभी आओ। आपने क्या देखा पहले यहाँ पे देखो ही मत क्या आएगा पहले आप ये देखो यहाँ पे कुछ अलग है क्या देखो सरफेस्ड स्टार्टेड अपियड केम अप पे क्या लिखा हुआ है वर सेटल्ड इसका मतलब क्या है यहाँ पे सभी इन्होंने टेंस दे रखा है इसका मतलब क्या हो जाता है ये वाला जो फ्लिंदा ब्लैंक्स है ये मेरे काम का नहीं है क्यों काम का नहीं है क्योंकि सभी पास्ट में दे रखा है तो रीड करके बनाना पड़ेगा अगर रीड ही करना है तो ग्रामर के अप्रोच में लगा क्यों रहा हूं मुझे पहले चाहिए ग्रामर की अप्रोच तो मैंने देखा ये मेरे काम का नहीं है लेकिन यहाँ पे देखो मुझे कुछ अलग अलग सा दिख रहा है मतलब यहां पे मैं कुछ यूजफुल चीजें निकाल सकता हूं अब आपको याद होगा आज ही की क्लास में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डैट के बाद भी नाउन आता है अगर डैट के बाद नाउन नहीं आता है तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं फिर डैट के बाद है। है भाई और मैंने वो डैट यहाँ पे देख लिया मैंने यहाँ पे देख लिया डैट के बाद आएगा

तो डेट के बाद मुझे पता है आएगी तो भी आएगी आएगी अगर सिंगुलर तो जिसके अंदर एस नहीं लगा हुआ है वो आंसर हो तो देखो D option गया, e option गया, e option गया। अब जो रीड कर रहे थे वो तो बहुत दूर रह है चुके हैं हमसे हम बहुत हम आगे निकल आए हमें सिर्फ बी और सी पे फोकस करना है अब अभी भी रीड मत करो अभी भी आपको एक यहां पर क्लू मिल रहा है एलवाई मिल रहा है अगर एलवाई मिल रहा है तो ये एडवर्ब है एडवर्ब है तो आगे वर्ब ढूंढ लो भाई वर्ब है क्या नहीं है एडजेक्टिव है क्या नहीं है क्या एक और एडवर्ब है क्या तीनों ही नहीं है। चेक करो कैसे ये जो ब्लैंक्स हम इस मार्क कर रहे हैं ये आपको पता है यहीं पे फिल होगा तो अगर मैं यहाँ पे एलवाई वाला वर्ड लगा दूंगा तो क्या यहाँ पर मेरे पास एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब में से कोई भी चीज है सर नहीं ह्यूमन डीएनए तो नाउन होता है अगर ये नाउन होता है तो मैं एलवाई को नहीं लगा सकता आंसर क्या आ गया बी हंड्रेड परसेंट अब आप खुद बताओ क्या मैंने यहां पे रीड करा क्या बात हो रही है यहां पे रीड करा क्या बात हो रही है नहीं ग्रामर से आंसर निकाला है अब जो रीडिंग से कर रहे थे वो बहुत पीछे रह चुके हैं हम बहुत आगे आगे हैं राहुल ने पहले ही आंसर दे दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अगर हम ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे और अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत आगे होंगे कॉम्पिटिशन से लेकिन ये सारी अप्रोच आपको आनी चाहिए हाँ भले आप लोगों को ये ऑप्शन रीडिंग में ओड लगे लेकिन ये ही इसका करेक्ट आंसर है ठीक है कैसा लगा अगर आपको बढ़िया लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कल जब हम जुड़ेंगे तो मैं एक काम करता हूँ उसकी पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ये हमारा अगर आपको पेड कोर्स लेना है जो कंसेप्ट आज सिखाया है ये मैं आपको डे वन से ही, इस वाली में। ये जो है ना थर्टी सेवन वीडियो इस थर्टी सेवन वीडियो में कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी है ये मैं बहुत पहले ही सिखा चुका हूँ तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको ये वीडियो निपटा देनी है वीडियो निपटाने से क्या होगा और भी का, काफी सारे कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सीक्वेंस वाइज नहीं ले सकता हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन आता है सिखा देता हूं। लेकिन इसमें मैंने सब कुछ सीक्वेंस वाइज पहले से ही सिखा रखा है जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं ये पहले से ही सीख चुके हैं और असिस्टेंट में आ, काफी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो असिस्टेंट में कट ऑफ बहुत हाई जाती है और इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है तो वो सब मेरे बैच से ही निकले हुए स्टूडेंट हैं ठीक है थीके? तो अगर आप बैच लेने का सोच रहे हैं तो आप ले लीजिए ये बैच कभी भी पुराना नहीं होगा अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो भी ये बैच आपके लिए बहुत यूजफुल होगा मैं बैच कभी बंद नहीं करूंगा और इस बैच में अपडेट आपको देता रहूंगा ठीक है ऐसा मत बोलिएगा सर न्यू बैच कब आ रहा है यही मेरे लिए न्यू बैच है मेरा सारा कंटेंट न्यू है मेरा हर एक कंटेंट आपको आगे से आगे जितना भी पैटर्न चेंज होता रहेगा कनेक्ट होता रहेगा क्लियर है सभी को चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इसका वेबसाइट वर्जन भी मिल जाएगा मतलब वेबसाइट पे भी आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं ठीक है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एट जीरो फाइव एट सेवन फोर जीरो सेवन एट वन पे लास्ट में जाते जाते प्लीज़ कमेंट करिएगा सजेशन दिए दीजिएगा कोई भी डाउट हो जरूर लिखिएगा और कल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे लेकिन आपका एक फर्ज रहेगा आप वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए जिससे हम कल और ज्यादा स्टूडेंट के साथ इस सेशन में जुड़ पाए आपको भी पता है आज की वीडियो से आपने क्या क्या सीखा है ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू